डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखे हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ अलग सी चर्चा करने वाले हैं और वह दार्शनिक नहीं है बल्कि सामाजिक और साहित्यिक है। यह है यम और यमी का संवाद, जिसका आख्यान दोनों वेदों में है। और आश्चर्य की बात है कि यह मृत्यु सूक्त का आधार है। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक महत्वपूर्ण सूक्त है जिसे यम यमी संवाद कहते हैं और इसका देवता यम है। यह मृत्यु संबंधी यज्ञ के सूक्तों से, मंत्रों से पहले उसका आधार भूमि है। यही आख्यान अथर्ववेद के 18वें कांड में आता है। 18वां कांड पूरी तरह से मृत्यु पर आधारित है और यह मृत्यु सूक्त के आरंभ में ही आता है। दोनों में काफी कुछ समानता है या एक सा है, लेकिन कुछ भाषा में अंतर है। ये आख्यान यम से संबंधित है, लेकिन यह मृत्यु से होते हुए भी, मृत्यु सूक्त के आरंभ में होते हुए भी यह प्रेम आख्यान, यानी यम और यमी जो दोनों जुड़वा भाई थे, भाई बहन थे, उनसे संबंधित, उनके प्रेम का आख्यान है। ये अथर्ववेद में तो ये पूरा के पूरा कांड मृत्यु का सूक्त के रूप में बताया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में इस मंत्र या सूक्त के बाद में अनेक जो सूक्त आते हैं उनमें उन देवताओं को के नाम है, उन देवताओं को अर्पित है जो वहां पर वर्णित है, लेकिन करीब करीब उनमें समानता है, उनकी गति में समानता। ऐसा लगता है कि मृत्यु के समय जो आचार होते थे या मृत्यु के संबंध में जो यज्ञ क्रियाएं होती थी, यज्ञ होते थे, उस समय यह हुआ करता था। ये उससे पहले ये आख्यान बताया जाता था। मृत्यु संबंधी आचार भी बहुत विस्तृत रूप से दिखाई देते हैं। यह भी लगता है कि मृत्यु के बाद में उस समय यज्ञ परंपरा भी थी, यज्ञ भी था। और लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं तो यम और यमी ये प्रेम संवाद है। यह यमी का यम के प्रति प्रेम दर्शाता है। तो जब यह संवाद, क्योंकि यह संवाद शैली में लिखा गया है, तो इसको एक साहित्य के रूप में भी नवीन शैली मानी जाती है। इस सूक्त के आरंभ में यमी यम को संबोधित करते हुए कहती है कि ओ यम, मैं तुमसे सखा भाव रखती हूँ, तुमसे मित्रता रखती हूँ, तुमसे मैं प्रेम करती हूँ। तुम जो समुद्र के तटों पे घूम रहे हो, तुम्हारी ख्याति सारे जगत में है, तुम बहुत प्रसिद्ध हो, दीप्यमान हो, तो मुझ पर बीज स्थापित करो, यानी मुझे तो पुत्र बीज दो। लेकिन यम कहता है कि मैं तेरा सखा नहीं, क्योंकि हम तो एक ही उदर से जन्म लिए हैं, हमने तो एक ही माँ के एक ही पेट से जन्म लिया है, इसलिए तुम मुझसे कैसे सखा भाव की कामना करती हो। ऐसा जो काम है वो तो असुर लोग भी नहीं करते हैं। यमी कहती है कि तुम तो अमर हैं, हम लोग सब अमर हैं, अमृत्य है, मतलब मनुष्य नहीं है, तो हम मृत्यु के आचार को क्यों नहीं छोड़ते। तुम मृत्यु वाले आचार, मनुष्यों वाले आचारों को छोड़ दो, क्योंकि मनुष्यों की मृत्यु होती है, यम की तो मृत्यु नहीं होती। तो तुम मृत्यु वाले मतलब जो मनुष्यों वाले आचार को छोड़ दो और अपने चित्त को, अपने प्रेम को मेरी ओर लगाओ। तुम बीज रोपण करो और मुझ में प्रविष्ट हो। तो यम कहता है कि
तुम पुरानी बातें कर रही हो कि मृत्यु और अमृत की बात कर रही हो, जब हम इस तरह से उदाहरण देते हैं कोई पुराना और हम इस तरह से असत्य को भी सत्य मान लेते हैं, जबकि बात यह है कि हमें नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियम का पालन तो दिव्य शक्तियों को भी करना होता है। जैसे सविता है, सूर्य है, वह जैसे सूर्य सावित्री का विवाह आता है बाद में, तो उसका ही संबंध कहते हुए कहते हैं कि सूर्य और सावित्री वे भी तो दंपति के रूप में स्थित हैं और नियम पालन कर रहे हैं, यौ पृथ्वी वे भी तो नियम के पालन करते हैं, लेकिन यमी हार नहीं मानती। वो कहती है कि किसको मालूम कि पहले क्या था, कौन देखता है, कौन जानता है, किसको सब कुछ मालूम है। ये जो लोक है ये तो बहुत बड़ा है, बहुत ये जो ब्रह्मांड है इसके बारे में सब कुछ कैसे कोई बता सकता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो तुम मानवों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, मानवों जैसा असत्य क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे सामने कामना रख रही हूँ, मैं तुम्हें प्रेम की अर्चना करती हूँ, तुम पति जैसे मुझसे संलग्न हो, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो यम कहता है कि तुम किसी और का वरण क्यों नहीं कर लेती हो। यमी का तर्क है कि भाई देखो, यौ और पृथ्वी, यावा पृथ्वी, वो एक ही चेतन तत्व से उठते हैं, वो भी पति पत्नी जैसे रहते हैं। यानी दिव्य शक्तियां नियम का पालन करती हैं, लेकिन उनके नियम अलग हैं। तो यम कहता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि लोग वह अपने संबंधों को भी छोड़ जाएं और वह इस तरह के नियमों का पालन ना करें, लेकिन यह जो काल है जिसमें हम रहते हैं वो ऋत या नियमों का पालन करने वाला काल है, और तुम किसी समर्थ पुरुष के पास जाओ। यमी कहती है कैसे भाई हो जो अपनी बहन की इच्छा भी पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन यम उसके देह का स्पर्श करने को भी मना कर देता है। यमी उसे दुर्बल मानती है, वो कहती है कि अवश्य तेरा मन किसी अन्य स्त्री की ओर होगा, तभी मैं तेरे मन को नहीं समझ पाई। लेकिन यम कहता है कि नहीं, जिस प्रकार लता किसी मजबूत वृक्ष का सहारा लेती है, वो भी किसी उत्तम पुरुष से विवाह कर और सौभाग्यपूर्ण जीवन बिता। अब इस आख्यान के बाद में जो ऋषि है जो इस आख्यान को सुना रहा है, वो कहता है कि इस लोक में तीन छंद है, तीन शक्तियां हैं, जैसे जल, वायु और औषध, वो इस पृथ्वी को अर्पित है। वे सब पृथ्वी भी है, इन सबको जानते हुए ऋत का पालन करती है, नियम का पालन करती है, और हम उसको जानते हैं जो ऋत का पालन करता है, वो वरुण देव को भी जानता है। इसलिए मैं अपनी मेधा से, बुद्धि से सृष्टि के लिए यज्ञ कर्म करता हूँ और होता के रूप में देवताओं का आह्वान करता हूँ। अब इस आख्यान को सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये आख्यान सामाजिक परंपराओं को दृढ़ करने का प्रयास लगता है। यहाँ पर आख्यानकर्ता ऋषि यम और यमी के उपाख्यान द्वारा एक सामाजिक आचार को स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि समाज में तभी नियम रह सकते हैं जब कोई सगोत्र में विवाह ना करे, यानी एक ही परिवार में या एक ही रक्त संबंध में विवाह ना करे। और बहुत बाद में जब स्मृति काल में तो ये विवाह संबंधी नियम बहुत कट्टर बना दिए गए थे, लेकिन जो ये नियम बनाने के, सामाजिक नियम बनाने की स्थिति है, वह यह भी बताती है कि अब तक सामाजिक व्यवस्था, उस काल की सामाजिक व्यवस्था काफी दृढ़ हो गई, क्योंकि इस प्रकार के नियम तब बनते हैं जब हम सो कॉल्ड कल्चर्ड, जिसे हम कहते हैं ना कल्चर्ड सोसाइटी, यानी हम उस तरह की सांस्कृतिक या संस्कृति की ओर बढ़ने लगते हैं जिसका नाम हम कल्चर सोसाइटी कहते हैं या सामाजिक उन्नति कहते हैं। और उसमें जो जनमानस में नियमों की अवधारणा करते हैं, क्योंकि वेदांत के बाद के काल में तो विवाह के नियम बहुत कठोर बना। मेरी दृष्टि में इस आख्यान का एक उद्देश्य यह भी है कि यम को सत्य नियम पालन करने वाला बताते हुए एक ऐसी छवि बताना है साधारण मन के रूप में कि देखो, हमारे पितर हैं उस यम के पास जा रहे हैं, वो जो कितना सदाचारी है, ऋत का पालन करने वाला है, सत्य का पालक है, तो निसंदेह हमारे जो पितर वहां जाएंगे तो उसको सुख, उनको सुख ही मिलेगा। तो एक तरह से
लोगों के मन में मृत्यु के भय को कम करना भी इस आख्यान का कारण हो सकता है, क्योंकि मृत्यु की अन्य आचारों को पूरा करने से पहले इस प्रकार के प्रेम का आख्यान बताना इस बात को योजित करता है कि यम की उच्चता या उसके ऋत या उसके नियम पालन या उसकी उसका जैसे कहते हैं कल्चर्ड होने को बताना। अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये सूक्त बहुत सुंदर है, इनमें अनेक अलंकारों का प्रयोग भी है, भाषा इसकी अच्छी है। और यम और यमी का उल्लेख बाद के साहित्य में किस तरह से किया गया है इसका मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो दीपावली के बाद में द्वितीया आती है उसको यम द्वितीया भी कहते हैं और उसको भाई तोज भी कहते हैं, यानी भाई बहन के संबंध को बताने वाला है, अच्छे संबंध को बताने वाला है जो समाज ने स्वीकार किया है। जो यम द्वितीया में जो बहन है वो भाई के जीवन की कामना करती है, उसके वो मृत्यु से बचाती है और इसलिए उसे भाई दोज कहा जाता है। और इसके लोक कहानियां तो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें जो बहन है वो भाई के जीवन को किसी भी तरह के संकट से बचाती है, उसे मृत्यु के मुख से वापस ले आती है। ये लोक साहित्य, यही नहीं ये समाज में किसी ना किसी रूप में तो था, क्योंकि मैंने अपने बचपन में जयपुर में दो पत्थरों को साथ साथ खड़े देखा है, ऐसी मेरी स्मृति है बाल्यकाल की कि मैं अपने माँ के साथ कहीं गई थी और जहाँ पर माँ ने बताया था कि ये यम यमी किसी मंदिर के पास ही थे, ये यम यमी है जहाँ दो पत्थर खड़े थे और महिलाएं उसकी पूजा भी कर रही थी, ये शायद भाई दूज के आसपास का ही समय था। वर्तमान में इसकी स्थिति मुझे मालूम नहीं, वो पत्थर है या नहीं, या लोक में इस यम और यमी की पूजा कहाँ और कैसे होती। तो मित्रों आज यम और यमी का ये जो आख्यान है ये बहुत सुंदर है और ये एक प्रकार के उस समाज की अलग प्रकार की खूबसूरती को वर्णित करता है। मैं आपको फिर से ये बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ वेदों के कुछ विशेष तत्वों को लेकर आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे एक संदर्भ को समझने में ज्यादा वक्त ना लगे, हम अच्छी तरह से समझ पाए और उसको एक एक संदर्भ को धीरे धीरे हम पचा भी पाए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप जब इन को सुने तो आप पुराणों आदि के ज्ञान को उतार कर आए, क्योंकि यदि हमारे पास में कुछ ज्ञान पहले से होता है तो उसका बोझा हमारे पास हो जाता है और हम नहीं समझ पाते। यदि हम यम और यमी संवाद को पुराणों से शुरू करके वेद तक आएंगे तो वह हमें गलत सूचना देगा। और इसी तरह से जो देवताओं के नाम हैं, दिव्य शक्तियों के नाम हैं, जिनको अमर्त्य भी कहा गया है, वो अलग अलग काल में अलग अलग अर्थ बताते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे तदेक है तो वह केवल आपको नासदीय सूक्त में मिलता है तद एक वह एक, क्योंकि यह नाम से पहले चेतन से पहले की स्थिति है। इसके बाद प्रजापति ब्रह्म आदि जो नाम है वो बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश या प्रजापति दक्ष आदि उनसे अलग है, वो बाद में है, क्योंकि ये विकास यात्रा होती है दिव्य शक्तियों और साहित्य की भी विकास यात्रा है, शब्दों की भी विकास यात्रा है। शब्द बहुत लंबे चलते हैं और वो अपने अर्थों को खोते भी हैं। इंद्र की जो शक्ति हमें ऋग्वेद में दिखाई देती है और जो उसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं वो विभिन्न रूप और वो शक्तियां हमें बाद के रूपों में शास्त्रों में अलग रूप से दिखाई देते हैं। तो ये जो नाम होते हैं इन नामों से आप उसी नाम को ग्रहण करें जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अभी ऋग्वेद और अथर्ववेद की बात कर रही हूँ, बाद में हम हो सकता है कि अन्य शास्त्रों में भी जाए। आपको जो सवाल हो प्रश्न हो आप उनको पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये यम यमी आख्यान बहुत सुंदर लगा होगा। मैंने इसके संस्कृत के मंत्रों को नहीं पढ़ा, आप उसको खोजकर पढ़ सकते हैं अथर्ववेद के 18वां कांड में उसके आरंभ में या ऋग्वेद के दशम कांड का दशम सूक्त। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।